Amul Surabhi, brought to you by Amul, the taste of India, and Dhara. स्वागत है अमूल सुरभि की फैशनेबल दुनिया में। एक अजीब चक्कर है ये फैशन भी। जी हाँ। 100 साल पुराना फीका फैशन दोबारा लौट के आता है और सनक बन जाता है आज का। जी हाँ, अब देखिए ना, आज के शहरी मंचनों को और शौकीन मिजाजों को कानों में बालियां पहनकर इतराए फिरते हैं जी। हालांकि गुजरात या राजस्थान के गांव देहातों के मर्दों की ये पारंपरिक सजावट है। अजी, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में स्त्री पुरुष का गोदना और गोदवाना भी तो आम रिवाज है। जी। शहरों में इसी को कुछ गिने चुने मर्द औरत ही करने की जरूरत करते हैं। हमारे टीम डायरेक्टर आशुतोष देशमुख गोदरे यानी टैटूइंग पे डालते हैं एक नजर और पाते हैं फर्क कल और आज में। अभिव्यक्ति का माध्यम यदि रंग हो तो भला कैनवास की क्या जरूरत, हमारा शरीर ही काफी है। डूइंग टैटूज आर कूल एंड इट्स अ ट्रेंड इन कॉलेज, सो सब करते हैं। सो आई आल्सो ट्राई, इट्स लाइक एन एटीट्यूड दैट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, सो इसलिए करते हैं। डिस्को पार्टी में जाना है और ये सबसे अलग और अट्रैक्टिव है, इसलिए मैंने ये करता है। मुझे कार्टून कैरेक्टर्स अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं बनवाता हूँ। चटकीले चमकीले रंगों में शरीर पर चित्रकारी इन दिनों फैशन है। शहरों में कई ब्यूटी पार्लर खास यही काम करते हैं। वैसे तो ये वेस्टर्न से आया है और इसमें ज्यादा एक तो पेनफुल नहीं रहता है और इसकी नीडल्स वगैरह हम लोग एस्टरलाइजर वगैरह करके उसके बाद में यूज करते हैं। अब तो ऐसे कई आधुनिक तरीके हैं जो शरीर को कष्ट दिए बगैर सुंदर बना सकते हैं, चाहे तो शरीर पर पेंट करा लें या फिर केमिकल हिना लगवा लें। दिल मजबूत हो तो आप शरीर छिदवा भी सकते हैं, लेकिन कहाँ आधुनिक शहरी फैशन और कहाँ गोदने की सांस्कृतिक परंपरा। आदिम समाज अवस्था में संगीत, नृत्य, गायन और शैल चित्र के साथ ही गोदने की शुरुआत हुई। एक माड़िया कहावत में तो गोदने को स्वर्ग का प्रवेश पत्र कहा गया है। बदलते समय के साथ गोदन करवाने वाले की संख्या भले ही कम हो रही हो, लेकिन जस की तस है गोदन की पारंपरिक कला। फैशन परस्त बनावटी दुनिया से दूर हम चल पड़े बस्तर, माड़िया आदिवासियों की गोदन परंपरा को निकट से देखने। हमारी मंजिल थी बस्तर का एक गांव नगरनार। गीत गाकर भिक्षावृत्ति करते पुरुष और गोदने अंकित करती महिलाएं मुंडा परिवार की पहचान है। उड़ीसा के कोटपाड़ की कौशल्या का पेशा है गोदना। लोहे की चंद पुरानी सुइयां, सूखे हुए काजल और बांस के कलम से नारी शरीर पर आकृतियां रचती हैं कौशल्या। बस्तर की माड़िया जनजाति में लड़कियों के लिए शादी से पहले शरीर पर गुदवाना अनिवार्य है। गोदने को अलंकरण भी माना जाता है और जादू टोने से बचने का उपाय भी। आमतौर पर गोदने के लिए उचित पात्र भी केवल स्त्री को ही माना जाता है, क्योंकि स्त्री ही जननी और मातृत्व का प्रतीक है। कौशल्या ने शुरुआत हाथों से की और फिर शुरू हुआ बनाए गए प्रतीक चिन्हों पर गोदन का सिलसिला।
काजल और अरंडी के तेल से बने इन काले निशानों को बार बार एक सुई के साथ गोदा जा रहा है। दरअसल ये सुई नहीं है, यह चार सुई का एक समूह है। इन्हें जब एक गति के साथ शरीर में पिरोया जाता है तभी तैयार होती है गोदने की आकृति। किसी चित्रकार से सदे हुए हाथों से संतुलित और लयबद्ध प्रहार करते हुए कौशल्या ने गोदने की शुरुआत की। गोदने के लिए चुने हर प्रतीक के अपने मायने होते हैं। नगरनार की दमयंती ने अपने लिए भत्ता प्रतीक चिन्ह सुंडी बाना चुना। ये जो मोटिफ है ये मधुमक्खियों का छत्ता है कतार में, वो मैजिकल चेन बन जाती है। जो मोटिव्स गोदने के थे वही मोटिव बाद में आर्नामेंट में परिवर्तित हुए हैं। उदाहरण के लिए जैसे बिच्छू का मोटिव है, पुरुषत्व का निशान है। विवाह के बाद हम देखते हैं कि पूरे भारत में स्त्रियों के पैर में बिछिया डाला जाता है। इसी तरह से जो ये चेन पहनी जाती है, मैजिकल चेन का ये गहने के रूप में रूपांतरण हुआ है। बुढ़ी मताल और बड़ा देव की पौराणिक कथाओं में भी गोदने का जिक्र है। दिलचस्प बात यह है कि गोदने की प्रथा आज भी वही है जो हमारी पुरातन कथाओं में दर्शाई गई है। आमतौर पर गोदने का काम ठंडे मौसम में ही होता है। मौसम की ठंडक से गोदने ज्यादा खिलते हैं। माड़िया समाज में पूरे शरीर में गुदवाने वाली महिला को सम्मान से देखा जाता है। गांव के लोहार की बनी चार सुइयों से किए जाने वाले गोदनों को सहन करना आसान काम नहीं है। इसलिए छोटी सी खरोच के लिए डॉक्टर तलाशते, इंजेक्शन ढूंढते, हम शहरियों के लिए दमयंती का धैर्य से दर्द झेलना अविस्मरणीय अनुभव था। अरंडी के तेल का दिया जलाकर उस पर ढक्कन रख देते हैं। उस काजल में पानी और तेल मिलाकर स्याही तैयार हो जाती है। गोदनों का अंकन पूरा होते ही रूसी चावल की रस्म अदा की गई। एक दोने में चावल के साथ कुछ पैसे और आलू प्याज रखकर कौशल्या को भेंट किए गए। कौशल्या ने चावल फेर कर और उंगलियां चटकाकर दमयंती की नजर उतारी ताकि भगवान की कृपा से जख्म बके नहीं। हमें लगा ये असहनीय और कष्टप्रद कहानी यही समाप्त होगी, लेकिन नहीं। आंगन से सूखा हुआ गोबर मंगाया गया। पानी में भीगे गोबर से रगड़ रगड़ कर गोदन के दानों को उठाया गया। दमयंती जानती है कि इनके पकने से उसे बुखार भी आएगा, लेकिन हल्दी और अरंडी के तेल का शर्ती इलाज उसे 2-3 दिन में भला चंगा भी कर देगा। वहीं हमारी मुलाकात हुई शहरियों की तरह नेल पॉलिश से हाथ पैर पर चित्र उकेरने वाली गांव की लड़कियों से, जिनके परिवार गोदन के विरुद्ध हैं। पहले वाले थोड़े थोड़े अनपढ़ भी थे, उन लोगों को करने दो, अभी तो थोड़े शिक्षित होते जा रहे हो बोल के मना भी करते हैं। विरोध के बावजूद गोदन अभी भी धड़कन है माड़िया महिलाओं के दिलों की। गहने खरीदने के लिए पैसे नहीं तो क्या हुआ, साहस धैर्य और सहनशीलता से शरीर पर अंकित कर सकते हैं ये गहने। सीधी सादी आदिवासी जिंदगी का निचोड़ है गोदन। जो खाना है।
चलो चलो लेट्स गो आउट फॉर एन अमूल आइसक्रीम खूब सारे फ्लेवर्स खूब यम यम मैंगो पिस्ता बादाम लो 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 चलो 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 लेट्स गो लेट्स गो अमूल रियल मिल्क रियल आइसक्रीम चलो 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 लेट्स गो आउट फॉर एन अमूल आइसक्रीम हमारी जिंदगानियों की छोटी छोटी चीजें हमें कितनी खुशियां देती हैं। अजी अगर आपको अरुणाचल में रहना है तो फिर आप वही कीजिए जो अरुणाचली करते हैं, यानी खाइए पीजिए मौज कीजिए हमारे टीम डायरेक्टर नितिन नंदन के साथ। देश के सुदूर उत्तर पूर्व में हिमालय की गोद में बसा सुंदर अरुणाचल प्रदेश, हरियाली की चादर ओढ़े यह क्षेत्र जीरो कहलाता है। रहन सहन और खान पान यहाँ के लोगों का सब कुछ यहाँ के भूगोल ने निर्धारित किया है। चावल यहाँ का प्रमुख आहार है और कुदरत से जुड़े दूसरे कई व्यंजन। बांस के तने को सुखाकर यानी बैम्बू शूट्स को सुखाकर उसके टुकड़े पकाकर खाए जाते हैं। बांस के तने से बनने वाला यहाँ का खास व्यंजन पी के पिल्ले, जिसमें मिर्च और सुअर की चर्बी भी डाली जाती है। बांस के तने को एक गोलाकार बर्तन में काफी लंबे समय तक रखा जाता है, फिर उसे निकालकर पकाते हैं पी के पिल्ले के रूप में। हमने मेजबान महिला से जब इसकी पाक विधि पूछी तो वो शर्मा गई। पहले बर्तन का पानी 5 मिनट के लिए उबाल लेना और तब ही बाकी सारी सामग्री डालना, वरना स्वाद उतना अच्छा नहीं होगा। बड़ी सहज विधि है इसे बनाने की। उबलते पानी में मिर्च के टुकड़े, चर्बी और बांस का तना डाला। स्वाद के लिए बैम्बू शूट का ही पानी मिलाया। लीजिए, हो गया तैयार गर्मा गर्म स्वादिष्ट पी के पिल्ले। ग्रामीण जीवन के छोटे छोटे सुख दुख इनके उत्सव उल्लास से भरे हुए और उत्सव के मौकों पर खास तौर से अपोंग पीने पिलाने की पुरानी प्रथा है। पीने के ढंग भी मजेदार। अपोंग पीकर आनंदित होते खुशी मनाते लोग प्रकृति के कितने करीब। बनती कैसे है ये अपोंग? चावल और जौ को पहले भिगोते हैं, फिर उबालते हैं और साफ करने के बाद उसमें खास औषधि अपोत डालते हैं नशे के लिए। फिर उसे रख देते हैं एक बड़ी टोकरी में और एक छोटी सी डलिया छलनी का काम निभाती है। उसी में जमा होती रहती है ये बियर यानी अपोंग। जीवन में गर्माहट का सुखद संचार करने के लिए सब लोग इसे बड़े शौक से पीते हैं। जीरो से हम बढ़ चले तवांग जिले की ओर, अरुणाचल का सबसे ऊंचा स्थल। बौद्ध धर्म का असर फिजाओं में, हवाओं में। घूमते चक्र दुंदुभी बौद्ध मठ के चिन्ह। दूसरी बियर जो बनती है गेहूं, बाजरा, जौ, चावल और चावल के छोकर से। इन्हें पहले भूनकर उबालते हैं, फिर ठंडा करके उसमें चावल का छोकर मिलाते हैं और 3-4 दिन के लिए रख छोड़ते हैं फर्मेंटेशन के लिए। फिर इस घोल में सादे पानी से भरा एक बर्तन ढक कर रख देते हैं। पानी
स्वतः जाने वाली भाप से ही बन जाती है छंग। सबके लिए है छंग का आनंद, छोटों के लिए भी। पर पहले थोड़ी सी भगवान के नाम चढ़ाना कैसे भूल जाए। प्रकृति और परिस्थितियाँ भले ही विषम है यहाँ पर, अरुणाचल के लोग जीवन के उल्लास को नहीं भूलते। इनके दैनिक जीवन का अंग है नृत्य, संगीत, गान और खान पान। एग्जाम्स, मार्क्स, रिजल्ट्स। जी हाँ, परीक्षाओं का सरदर्द अभी छूटा नहीं कि हम फिर से हाजिर हो गए एक नई परीक्षा को लेकर आपको तरोताजा करने। क्योंकि हमारी परीक्षा वैसी नहीं है, ये तो एक कॉन्टेस्ट है। जी हाँ, अमूल चीज बॉय और अमूल बटर गर्ल कॉन्टेस्ट। 5th, 6th, 7th, 8th और 9th स्टैंडर्ड में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए इसमें सवाल नहीं है बल्कि कुछ दृश्य पहचानने हैं। इतना ही नहीं, आपको सोचकर अपनी कल्पना शक्ति निखारनी होगी और कैनवस पर भी उतारना होगा। सपनों में छलांग लगाकर चांद पर भी उतरना है। इसमें जो पास होंगे उनमें से 6 ऑल इंडिया विनर्स चुने जाएंगे आनंद गुजरात में, जहां अलग अलग जजेस करेंगे आखिरी चुनाव एक भव्य कॉन्टेस्ट में जो दिखाया जाएगा पूरे देश भर में। और वहां चुने जाएंगे 3 ऑल इंडिया अमूल चीज बॉयज और ऑल इंडिया अमूल बटर गर्ल्स। वैसे इनाम भी तो हैं काफी बढ़िया। 3 अमूल चीज बॉयज और 3 अमूल बटर गर्ल्स को मिलेंगे एक एक कंप्यूटर। हाँ, दूसरे पार्टिसिपेंट्स को भी मिलेंगे ढेर सारे इनाम, जैसे 2-in-1 वॉकमैन, कैलकुलेटर्स। हाँ, और मत भूलिए वंडरफुल अमूल गिफ्ट हैम्पर भी। तो अगर आपको पाने हो ये सब इनाम और देना हो पूरे देश को अपनी बुद्धिमत्ता का प्रमाण, तो हिस्सा लीजिए अमूल चीज बॉय और अमूल बटर गर्ल कॉन्टेस्ट में। और इसके लिए आपको देखने पड़ेंगे हमारे अगले एपिसोड्स बड़े ध्यान से। यस, क्योंकि ये कॉन्टेस्ट पेश किया जाएगा सिर्फ अमूल सुरभि में। पिछले पखवाड़े हमारे सवाल पर आपके जवाब की संख्या ने हमें चकित कर दिया, भारत की मॉडल सिटी और उसकी रूपरेखा बनाने वाले के बारे में। और सवाल का जवाब हमें पहुंचाता है न केवल पंजाब और हरियाणा की सुंदर राजधानी में, बल्कि कला संस्कृति पत्रिका मार्ग की दिशा में भी, जिसने पिछले 50 वर्षों में तलाश की भारतीय विरासत। विभिन्न रंग, महक, सांस्कृतिक परंपरा की अभिव्यक्ति है मार्ग पत्रिका। हमारे जीवन में कई दिए जलाता हुआ 50 वर्षों से मार्ग भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कई कोनों में पुरानी संस्कृति, नृत्य कलाएं और कई आधुनिक पहलुओं की जानकारी हमें देता आ रहा है। तरफ लोक कलाएं ग्रामीण जीवन शैली को दिखाती हैं, दूसरी ओर रंगों से सराबोर कलमकारी के नमूने दिखाता मार्ग।
मार्ग का प्रकाशन सन 1947 में एक बड़ी चुनौती था। इस चुनौती को स्वीकारा और बखूबी निभाया श्री मुल्कराज आनंद ने। तो मम्मी बाबा मुझे वहाँ ले गए जीआरडी के पास। डॉक्टर साहब के पास। जीआरडी बहुत सख्त आदमी था। क्या चाहिए आपको? देखा सात एडवर्टाइजमेंट, सात विज्ञापन चाहिए एडवर्टाइजमेंट और ऑफिस दो कमरे जीवन ले बाबा। अच्छा, तो दो कमरे और सात विज्ञापन और शुरू हो गया। वो छोटी सी पहल, वो पहला कदम और उसके बाद लगातार 50 साल का चुनौतियों भरा सफर। आज मार्ग महज एक पत्रिका नहीं, एक संस्था है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे देश के सांस्कृतिक परिवेश में मार्ग का विशाल योगदान है। There is no single magazine in India that covers all the arts, architecture, urban design, music, dance, cinema. In fact, all the both the performing and the visual arts in the same way as Marg does. Marg ने किसी भी पक्ष को अनदेखा नहीं किया। अनेक विशेषांक निकाले, जैसे कथकली पर आधारित विशेषांक, जिसमें इस नृत्य की सभी 504 मुद्राएं पहली बार रेखांकित की गईं। मार्ग ने न सिर्फ पारंपरिक कला को उजागर किया बल्कि आधुनिक नगर परियोजना को भी महत्व दिया। ली कॉर्बुज़र का बनाया चंडीगढ़ नगर का मास्टर प्लान पहले पहल मार्ग में ही छपा। Which have been the most outstanding issues of Marg? Well, if you ask me, I think all my issues, you know, when we plan out and all, yeah, would be an outstanding issue. But anything? But there are some, you know, where we do research ourselves, I photograph myself, and then I design myself. So I do feel, you know, okay, that becomes an outstanding issue. ऐसा ही विशेष अंक था विजयनगर और हम्पी के प्राचीन मंदिरों पर। वहाँ की अनोखी स्थापत्य कला और मूर्तिकारी पर की गई मार्ग की शोध से अनेक नए पहलू उजागर हुए। थर्टीन कंट्रीज वी पास थ्रू 26 बॉर्डर्स एंड वी हैड टू प्लान आउट ईच एंड एवरी डिटेल यू नो सो दैट नथिंग शुड गो रॉन्ग। उस रोमांच को तस्वीरों में समेटा डॉली सहियार ने और शब्दों से सुशोभित किया मुल्कराज जी ने। इस विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्ध करने का प्रयास आज भी जारी है। रूप सागरे डूब दिए छी अरूप रतन पाबो बोले। I have dived into the ocean of form in order to extract the pearl of formlessness. How does Marg do that? Well, Marg is constantly concerned with the world of form, both abstract form in terms of, say, music, with dance, with sculpture, with architecture, and all kinds of aesthetic creations of man, of Indian man certainly. And so in that sense, we are trying to do that all the time. Marg ke kitne hi sangrah hain अलग अलग विषयों पर जो आज भी महत्वपूर्ण और प्रासंगिक बने हुए हैं। खोज अब भी जारी है, अनवरत खोज की यात्रा। कहते हैं कि अगर मार्ग सही है तो मंजिल मिल ही जाती है। पहले विजेता हैं देवेंद्र समा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। आपका इनाम भारतीय रेल के सौजन्य से भारत में किसी भी जगह दो व्यक्तियों के लिए फर्स्ट क्लास या सेकंड एसी की दो रिटर्न टिकटें। जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से प्रकृति की सुंदर वादियों में 3 रातें और 4 दिन। कश्मीर गवर्नमेंट आर्ट एम्पोरियम की ओर से 2,000 रूपये तक की कलाकृतियां भेंट और KSDL की ओर से 1,000 रूपये तक के तोहफे।
दूसरे विजेता हैं सृजन सरकार कलकत्ता। आपका इनाम राजस्थान पर्यटन विकास निगम की ओर से उनके किसी भी एक टूरिस्ट रिजॉर्ट में दो बच्चों और दो बड़ों के लिए तीन दिन, हैरी कलेक्शन की ओर से 2,500 रुपयों तक के शानदार प्रीमियम शूटिंग गिफ्ट हैम्पर और जी बैंड की तरफ से आपको मिलेगा 1,000 रुपये तक का खास उपहार। तीसरी विजेता है एस रामामणि कोयम्बतूर तमिलनाडु। आपका इनाम हरियाणा टूरिज्म के सौजन्य से होटल राजहंस सूरजकुंड में दो व्यक्तियों के लिए तीन दिन और एचएमटी की ओर से संगम घड़ियों का सेट खास आपके लिए। ईमेल से खास विजेता है किरण के रघुपति बेंगलोर। आपका इनाम होटल लेक एंड और जयसमंद रिजॉर्ट उदयपुर में दो व्यक्तियों के लिए तीन दिन और कर्नाटका हैंडलूम की ओर से 4,000 रुपयों तक की खूबसूरत साड़ियां। और वेबसाइट के विजेता हैं जोसेफ बेंजामिन अहमदाबाद गुजरात। आपका इनाम विदेश संचार निगम लिमिटेड के सौजन्य से इंटरनेट को जानने और समझने का अनोखा अवसर, 100 घंटे की मुफ्त इंटरनेट सेवा, VSNL विश्व में भारत का प्रवेश द्वार। इन सभी विजेताओं को अमूल की ओर से एक विशेष पुस्तक द अमूल इंडिया स्टोरी और धारा की ओर से गिफ्ट हैम्पर। हमारा अगला सवाल एक असाधारण समुद्री जीव पर। जरा गौर से देखें, अपने देश में एक मरीन शो में इसके करतब दिखाए जा रहे हैं। क्या आप इस असाधारण समुद्री जीव का नाम बता सकते हैं? सवाल एक बार फिर सुनिए, आपको इस असाधारण समुद्री जीव का नाम बताना है। कैन यू टेल अस द नेम ऑफ दिस रिमार्केबल मैमल? जवाब इस पते पर भेजिए, अमोल सुरभि सवाल जवाब, सिनेमा विजन इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 11901, आजाद नगर, मुंबई 400053। आपके जवाब हमें 7 दिन के अंदर मिल जाने चाहिए। अब हमसे संपर्क का एक और जरिया हमारा ईमेल पता surabhi@amul.com और हम इंटरनेट पर भी उपलब्ध हैं। पता है www.indiasurabhi.com। ऐसे बहुत कम समुद्री जीव हैं जिन्हें इस तरह की ट्रेनिंग दी जा सकती है, जैसे कि वो सील्स हो या फिर वेल्स हो। जी हाँ, और ये समुद्री जीव बेहद संवेदनशील होते हैं। right. अगर उन्हें ठीक से रखा ना जाए तो शोक में डूब जाएंगे या फिर मर भी सकते हैं। जी. जैसे अफसोस, जिन समुद्री जीवों को हमने आपको दिखाया वो जिंदा नहीं बचे, शायद इस वजह से कि वे विदेश से लाए गए थे और यहाँ के हवा पानी को बर्दाश्त नहीं कर पाए। देखिए, मन बहलाने की बात कुछ और है और जीव जंतुओं की संवेदनशीलता बनाए रखने की बात कुछ और है। बिल्कुल सही है, हम रोज कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं। और हम हर रोज बन सकते हैं बेहतर इंसान। अमूल सुरभि में यही तो है हमारा पैगाम। 100% नमस्कार। अगले सप्ताह अमूल सुरभि में नेपाल की विरासत पाटन शहर का पुनर्निर्माण, रामपुर से हिंदी फिल्मों की शोहरत तक पहुंचने वाला रामपुरी चाकू, जितनी तेज इसकी धार उतना ही संतुष्ट इसका कारीगर। आपके भेजे सवालों के साथ चम्मच की गुथी सुलझाते हैं डॉक्टर जयंत नार्लिकर ज्ञान विज्ञान में। Brought to you by Amul, the taste of India, and Dhara.